राम वृक्ष प्रसाद ये रफीगंज के ऐसे शख्स थे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रफीगंज में ये पहले व्यक्ति थे जो बहुत ही कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को हासिल किए और रफीगंज का नाम रोशन किया। साथ ही साथ रफीगंज में काफी सारे विकास के कार्य भी इनके द्वारा किए गए जो कि काफी सराहनीय है। आइए मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। राम वृक्ष प्रसाद पिता स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद, माता संजोगा देवी, पता पोस्ट ऑफिस रोड रफीगंज औरंगाबाद। राम वृक्ष प्रसाद इनका जन्म 3 जून 1944 को आरा के एक छोटे से गांव चिलहर में हुआ था। बचपन से काफी प्रतिभावान और गुणवान व्यक्ति थे। राम वृक्ष प्रसाद जी का शुरुआती पढ़ाई लिखाई रफीगंज के RBR हाई स्कूल में हुई थी। बचपन से ही काफी प्रतिभावान और समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा इन्हें गांव छोड़कर गया शहर की ओर ले आया और गया में इनका दाखिला गया कॉलेज गया में हो गया। यहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर से वे अपने गांव रफीगंज वापस आ गए और आते ही इन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव जाकर शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागृत किया। पिछले 50 सालों से लगातार सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यक्ष के पद पर विराजमान रहे। राम वृक्ष प्रसाद जी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। वे सौंदिक समाज के अध्यक्ष भी थे। वर्तमान में ये बड़ी दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इनकी कामयाबी में इनकी धर्मपत्नी शिवदुलारी देवी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे भी कहा गया है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। इन्होंने 3 अक्टूबर 2021 को अंतिम सांस अपने निवास स्थान रफीगंज में ली और हमेशा के लिए रफीगंज को रोशन करने वाला चिराग बुझ गया और अपने पीछे छोड़ गए 5 पुत्र और 1 पुत्री। आपको यह जानकर बहुत ही गौरव की अनुभूति होगी कि स्वर्गीय राम वृक्ष प्रसाद जी के 4 पुत्र इंजीनियर और 1 पुत्र डॉक्टर हैं और पुत्री सविता कुमारी के पति भी इंजीनियर हैं। स्वर्गीय राम वृक्ष प्रसाद जी के 7 पोते हैं। ये एक ऐसे सफल व्यक्ति थे कि इनको पर पोतों का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ जिसका नाम कार्तिक है। ये भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कार्य किए एवं पूजा पाठ में इनकी रुचि थी एवं समाज से जुड़े हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इन सभी कारणों से ये लगातार 40 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे। आइए जानते हैं उनके 5 पुत्रों के नाम। श्री सुनील कुमार सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर नेशनल हाईवे 248। मिस्टर अनिल कुमार जनरल मैनेजर कोल इंडिया लिमिटेड नागपुर। मिस्टर अजय कुमार एमटेक चीफ जनरल मैनेजर नेशनल हाईवे 143 राउरकेला उड़ीसा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑनर एट डोभर फ्रांस डॉक्टर राजीव कुमार नई दिल्ली। स्वर्गीय राम वृक्ष प्रसाद जी के पोतों के नाम। सौरभ परिहार मैनेजर कामधेनु लिमिटेड बेंगलोर। मैनेजर कामधेनु लिमिटेड बेंगलोर। साकेत कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। विश्वास कुमार बिजनेस टेक्नोलॉजी JDS एसोसिएटेड पुणे। यशराज BERV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आर्यन राज आरव एवं अर्नव। स्वर्गीय राम वृक्ष प्रसाद जी के पोतियों के नाम।
सोनाली परिहार एमबीए एचआर, ईश्वर्या कुमार सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमडॉस पुणे, रितिका आर सानवी। धन्यवाद।